हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनू और मैं आज आप लोगों को इंस्टेंट ग्रोइंग फेस पैक बना के दिखाऊंगी। क्या होता कि हम लोगों का घर पे कोई गेस्ट आने वाले होते हैं, हम लोग का स्किन पूरा टायर्ड डॉल है, तो फिर हम लोग का अच्छा नहीं लगता। हम लोग चाहते कि अपने स्किन में थोड़ा ग्लोइनेस आ जाए। कोई नाइट आउट है या तो फिर कुछ फंक्शन है, कुछ भी हो, आप लोग आपको अगर पता चला लास्ट मोमेंट में, और अगर आप चाहते कि आपका फेस में सम ग्लोइनेस आ जाए, सम फ्रेशनेस आ जाए, तो फिर आप लोग ये वीडियो फुल एंड तक देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी एक सर्टेन होम रेमेडी फेस पैक बनाने का, जिसका बाद आप लोगों का फेस में थोड़ा ग्लोइनेस आ जाएगा और सम फ्रेशनेस आ जाएगा। तो आप अपना पार्टी के लिए, सम ओकेजन के लिए, सम फंक्शंस के लिए आप रेडी हो सकते हैं उसका बाद। तो फिर मैं शुरू करती हूँ। ये छोटा सा ले रहे हो, छोटा सा प्लेट। उसका बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कॉफ़ी। हम लोग का घर पे कॉफ़ी तो होता ना, इसलिए मैं घर पे जो इजीली अवेलेबल चीज़ें उसी से आप लोगों को बना के सिखाऊंगी इंस्टेंट ग्रोइंग फेस पैक। अभी कॉफ़ी का बाद मुझे चाहिए बेसन। ये हम लोग ऑयली स्किन का पैक बना रहे हैं, इसका बाद मैं ड्राई स्किन का पैक बना के दिखाऊंगी। इंस्टेंट ग्रोइंग ऑयली या ड्राई अलग अलग करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑयली स्किन या ड्राई स्किन एक ही स्किन टाइप नहीं है ना, तो फिर थोड़ा बहुत फ़र्क होएगा। ये ऑयली स्किन के लिए है, इसीलिए हम लोग पेशन और कॉफ़ी ले रहे हैं। ये दोनों ही ऑयल को कंट्रोल करके करता। उसका बाद मुझे चाहिए थोड़ा सा हनी। उसका बाद मुझे लेना है थोड़ा सा पानी इसको मिक्स करने के लिए, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इसको ब्रश से अच्छे से मिक्स करूंगी। मेरा स्किन टाइप है ड्राई, इससे मैं पहले ऑयली बना के दिखा रही हूँ, ताकि ये ऑयली लगाने के बाद मेरा स्किन में मतलब थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो गया, तो फिर वो ऑयली वाला स्किन पैक मेरा स्किन को रिकवर करेगा बोल के। अगर आप लोगों को ये सब घर पे मिलता वाला, इजीली अवेलेबल मिलता वाला इन्ग्रीडियंट्स है ना, तो फिर अगर आपका घर पे कोई आ रहा है गेस्ट, या तो फिर कुछ फंक्शन हो रहा है, आपको पता चल रहा है लेट और आप नहीं जा सकते कुछ भी चीज़ पार्लर वालर सब, तो फिर आप लोग अपना स्किन का घर में पैम्पर कर सकते हैं। ऐसा करोगे आप तो फिर आपकी स्किन ग्लो ही हो जाएगी। तो अब मैं लगाती हूँ इसको। मैंने लगा लिया अच्छे से। ये हम लोग का ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि बेसन और कॉफ़ी दोनों ही ऑयली स्किन को ऑयल कंट्रोल करके थोड़ा मतलब ग्लोइनेस लाता फेस पे, और हनी पूरा मतलब ड्राई होने नहीं देता, हल्का मॉइस्चर देता, जो हम लोगों को फेस में चाहिए, ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, दोनों ही। तो हम लोग ऐसा करके लगाना है और इसको छोड़ना है सोखने तक। आपको ये हफ्ते में दो बार तीन बार ऐसा कुछ नहीं लगाना है। जब भी आपको चाहते कि आपका स्किन इंस्टेंट ग्लो आए, तब आपको लगाना है। ये वो टाइम इंस्टेंट ग्लो देता, फिर उसका बाद वही है थोड़ा बाद फिर छोड़ देता। तो अब मैं इसको सोखने तक छोड़ के फिर धो के आऊँगी। मैंने इसको ड्राई होने तक छोड़ के धो लिया था। आप लोग देख सकते मेरा स्किन थोड़ा ग्लो हो गया। ऐसे आप लोगों को भी करना है। अब मैं दिखाऊँगी इंस्टेंट ग्लोइंग फेस मास्क फॉर ड्राई स्किन के लिए कैसे करना। उसके लिए मुझे चाहिए हल्दी, पिंच ऑफ पेशन, ज़्यादा भी नहीं। उसका बाद हनी, हनी का बाद थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा, क्योंकि हनी हम लोगों ने इसमें थोड़ा ज़्यादा लगाया है ड्राई स्किन है बोल के। अभी पानी का बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करना है सब चीज़ को। मिक्स हो गया तो अभी हम लोग को लगाना है इसको। आप लोग देख सकते हैं मैंने लगा लिया है।
आप लोग ऐसा ही कर रहे हैं अगर आपका कोई ड्राई स्किन है तो फिर, बट आप ये फेस पैक इंस्टेंट ग्लोइंग का साथ साथ हफ्ते में 2-3 बार भी लगा सकते हैं। जो ऑयली स्किन का फेस पैक मैंने बोला था वो भी आप लगा सकते हैं हफ्ता में 2-3 बार, बट वो क्या है कि आपको इंस्टेंट ग्लोइंग जल्दी देता। ये फेस मैक्स भी क्या है कि आप हफ्ते में 2-3 बार यूज करेंगे तो फिर कोई डिसएडवांटेज नहीं है फेस मास्क में, बट क्या है कि आपको ये ग्लो जल्दी देता, अरे ग्लो जल्दी रिटर्न भी हो जाता। बट अगर आप आदत रखोगे लगाते रहने का तो फिर मे भी आपका स्किन ग्लो होने लगेगा ज़्यादा करने से, बट मुझे नहीं पता उतना। मैं तो कभी कभार करती जब मुझे चाहिए, इसको भी मैं सोखने तक छोड़ के फिर धो के आती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस अभी भी ग्लो हो गया है, ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग घर में बैठे बैठे 10 मिनट का अंदर अपना फेस कैसे ग्लो करना सिखाया। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लोग मेरा ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होएगा। अगर आप लोग कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो मैं इंस्टा का लिंक दी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है, थैंक यू।